नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। 2019 के चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए महागठबंधन बनाने की चर्चाएं तेज हैं। कर्नाटक में सीएम कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण के बाद से ये चर्चा और जोर पकड़ने लगी, जब इस शपथ ग्रहण में यूपी के दो धुर विरोधी नेता अखिलेश यादव और मायावती एक मंच पर आए। तो वहीं दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ हल्ला बोलने वाले कांग्रेस और आप भी एक मंच पर दिखे। उधर पश्चिम बंगाल में दो धुरी पर खड़े तृणमूल कांग्रेस और वाम दल के नेता भी इस जुटान में साथ नजर आए। एक दूसरे की कट्टर विरोधी पार्टियां जब एक मंच पर आईं, तो इसे मोदी विरोध में एकजुट हो रहे दलों के बीच 2019 के लिए संभावित महागठबंधन के रूप में देखा जाने लगा। इन दलों की एकजुटता से लगता है कि बीजेपी भी सतर्क हो गई है। तभी तो 8-9 सितंबर को राजधानी दिल्ली में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संभावित महागठबंधन का मुद्दा भी छाया रहा। खुद पीएम मोदी ने जब कार्यकारिणी सदस्यों को संबोधित करने के लिए मंच संभाला, तो उनके निशाने पर भी संभावित महागठबंधन ही रहा। उन्होंने यूपी में 2019 के लिए नजदीक आ रहे मायावती और अखिलेश पर निशाना साधा और कहा कि जो एक दूसरे को देख नहीं सकते, वो आज गले लगाने को मजबूर हैं। उनकी ये मजबूरी हमारी सफलता है। प्रधानमंत्री जी ने एक और बात कही कि आज महागठबंधन की चर्चा है और ऐसे लोग जो एक दूसरे को देख नहीं सकते, एक दूसरे के साथ चल नहीं सकते, आज वो गले लगाने को मजबूर हैं। उनकी ये मजबूरी हमारी सफलता है, क्योंकि जनता के बीच हमारी लोकप्रियता बढ़ी है, हमारे काम का विश्वास बढ़ा है, इसलिए वो साथ आने को मजबूर हैं, जबकि उनके बीच में ऐसा कुछ भी साझा नहीं है। पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा। राहुल के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि छोटे छोटे दल भी राहुल गांधी की लीडरशिप को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के बारे में भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि कांग्रेस की लीडरशिप को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। छोटे छोटे दल भी कांग्रेस की लीडरशिप को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और कई तो कांग्रेस की लीडरशिप को बोझ मानते हैं। Many parties, even though compulsion, are trying to come together with Congress party. Think that Congress party leadership is not capable of giving leadership. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस के लीडरशिप को नहीं स्वीकार करने की स्थिति कांग्रेस के अंदर भी है। खुद उनकी पार्टी के ही कार्यकारिणी बैठक में दिए पीएम मोदी के बयानों के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, कार्यकारिणी को संबोधित कर रहे पीएम मोदी ने संभावित महागठबंधन को तीन शब्दों से ही चित करने की कोशिश की। उन्होंने नेतृत्व, नीति और नियत पर सवाल उठाते हुए ट्रिपल अटैक किया और कहा, नेतृत्व का पता नहीं, नीति अस्पष्ट, नियत भ्रष्ट है। उन्होंने तीन शब्दों का प्रयोग किया, महागठबंधन, नेतृत्व का पता नहीं, नीति अस्पष्ट, नियत भ्रष्ट। महागठबंधन के बारे में उन्होंने कहा, महागठबंधन यानी नेतृत्व का ठिकाना नहीं, नीति अस्पष्ट, नियत भ्रष्ट। अब ये प्राइम मिनिस्टर के इतने पावरफुल शब्द हैं कि मैं इसको वहीं छोड़ता हूं, अपनी ओर से मुझे इसका अनुवाद करने की जरूरत नहीं है। इस अहम बैठक में एक तरफ पीएम मोदी ने जहां संभावित महागठबंधन को निशाने पर लिया, तो वहीं ये भी कहा गया कि सत्ता पाने के लिए विपक्ष परेशान है और महागठबंधन जैसा विकल्प ढूंढ रहा है। विपक्ष के पास मोदी जैसा कोई नेता नहीं,
विपक्ष का एकमात्र लक्ष्य है मोदी रोको, इसीलिए विपक्ष अनैतिक गठबंधन की बात कर रहा है। एक तरफ पीएम मोदी ने संभावित महागठबंधन पर निशाना साधा, वहीं 10 दिसंबर को जब कांग्रेस ने महंगाई और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर भारत बंद बुलाया, तो कर्नाटक में साथ दिखने वाली ममता बनर्जी की पार्टी ने इस भारत बंद से खुद को अलग कर लिया, जिसने संभावित महागठबंधन की एकता की एक बार फिर पोल खोल दी।